गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह काम करके खेत से आ गए, और खेत से आने के बाद गाड़ी को बाहर में पार्क करके नाश्ता नाश्ता के रूप में एक बिस्किट खाए थे, बिस्किट का पैकेट एक, और उधर ही दतवन पर रस करके सतिया से ही आ गए हैं। और अभी रोटी बन रहा है, रोटी खा लेंगे, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। और फिर काम क्या है आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा, तो अभी फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता भी बन रहा है, और मोदी और आलू और रोटी सबीज। तो नहा लिए, नहाने के बाद अभी हो गया नहाना धोना, और नहाते टाइम आप लोगों को नहीं दिखा पाया, आप लोग देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबा आप लोगों को दिख रहा है वहाँ तक नदी का पानी भरा हुआ है, और यहाँ तक पानी आता है। अभी इतना दूर तक पानी था तो उसमें नहाए डूब के, और फिलहाल थोड़ा कपड़ा धोना है, कपड़ा धो के निकल रहे हैं यहाँ से। धूप लग रहा है, गर्मी भी लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं घर। सो नहा के रेडी हो लिए, और नहा के अभी जा रहे हैं पैदल पैदल, अभी जाना पड़ेगा, यहाँ से धूप निकला है और बादल भी है, लेकिन हालांकि धूप बराबर टाइम टू टाइम निकल रहा है, और धूप निकल रहा है प्लस छाया भी कभी कभी हो रहा है। और आप लोग देखिए कि इस टाइप का अभी वेदर है, और मौसम इस टाइप से अभी देखने के लिए मिलेगा। और बारिश रात में होता है जनरली, बारिश अभी दो तीन दिन से एक टाइम तो कंटिन्यूसली कर ही रहा है, कोई भी टाइम में, मतलब सुबह शाम जब भी टाइम मिल रहा है, सुबह में या फिर सुबह में तो एकदम मॉर्निंग में करता है, सुबह में 3 बजे के बाद और रात में, और जनरली दोपहर में अभी तक तो नहीं किया है बारिश, और इधर शाम को 12 बजे के बाद बारिश स्टार्ट होता है। तो जा रहे हैं घर। हाँ, थकान लग गया, थकान तो ऐसे पैदल नहीं आए थे, बाइक से आए थे, फिर भी थकान लग गया, बालू में चलते चलते धूप की वजह से थकान लग रहा है, और पानी भी नहीं पिए हैं, एक गिलास पानी भी तक नहीं पिए अभी तक, और जाके पियेंगे रोटी खाने के बाद। पानी प्यास तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, और पानी नहीं पिया ना, इसी से थकान लग रहा है। तो मिलते हैं आप लोग से डायरेक्टली अब घर में जाके। सुबह घर पहुंच गए, और अब खाना वाना नाश्ता उस तो कर लिए हैं, पानी पी लेंगे, उसके बाद चार्ज में बैठा के थोड़ी सी एडिटिंग, और मिलेंगे आप लोग से एडिटिंग के बाद। सुबह आज मैं थोड़ा सा ऑपरेटर का काम करने जा रहा हूँ, और देखूँगा कि एक फ़ोन है तो फ़ोन का डिस्प्ले में पूरा वाइट कलर का हो गया है, तो उस वाइट कलर को, मतलब स्क्रीन पूरा वाइट हो गया है, तो स्क्रीन को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस करना होगा, या फिर कुछ उसको रिपेयर करना होगा, तो मैं घर में ही उसको रिपेयर करने का ट्राई करूँगा, यूट्यूब से देख के ही कुछ चीज़ें ट्राई करूँगा, अगर शॉर्ट वगैरह हो गया, क्या हो गया, आईसी प्रॉब्लम, क्या देखेंगे आज उसको खोलने का काम करूँगा। अभी अभी तो मम्मी फ़ोन में बात कर रही है, उस फ़ोन का भी बात जैसे ख़त्म हो जाएगा उसका फ़ोन लेके उसको बनाना स्टार्ट कर दूँगा। फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, फ़ोन मतलब लेने के लिए जा रहे हैं, नया फ़ोन मम्मी को ले देंगे, और उसका फ़ोन का डिस्प्ले आप लोगों को दिखाऊँगा, चार्ज में अभी लगाया हुआ है, और इसका कंडीशन कुछ इस टाइप से है, पूरा वाइट, ना ही कुछ दिख रहा है ना ही कुछ हो रहा है, तो सरप्राइज़ दे देंगे उसको। खरीदने के लिए जा रहे हैं अभी, और कीपैड फ़ोन कोई अच्छा सा सैमसंग या फिर नोकिया ऐसे कुछ सस्ता में अच्छा लेके आएंगे, और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा फ़ोन ले लेंगे। और अभी तो फ़िलहाल जा रहे हैं ख़रीदने के लिए दुकान, निकालते हैं गाड़ी, गाड़ी का चाबी, अकेले जा रहे हैं फ़िलहाल, जाना था सिल्ली से लेना था, लेकिन लेंगे ही गाँव के बगल में पतरातू से, और तो जा रहे हैं वहाँ लेने के लिए। आप तब तक स्टे ट्यून्ड। अरे यहाँ से तो बंद है, उधर से ही बाहर से निकलना होगा। और कीपैड फ़ोन से मतलब सही ही रहता है, लेकिन कभी कभी कीपैड फ़ोन भी धोखे दे देते हैं, और ये फ़ोन जो था ये 2 साल भर भी नहीं चला, और साल भर से पहले ये मतलब वाइट हो गया, और अभी तो कोई काम भी नहीं करेगा, डिस्प्ले ऐसे बनाने से बन जाता, लेकिन उसको कितना ही देखते हैं। अभी तो जा रहे हैं फिलहाल खरीदने के लिए, और या फिर इसको बना लें, दोनों ही सही रह जाएगा, और तो बनाने में इसको भी पकड़ ही लेते हैं, ये फ़ोन कितना में बन जाएगा ये भी देख लेंगे, और इसको भी लेके जाते हैं, और इसको भी बना के लेके आएंगे, और अगर सस्ते में ये बन जाएगा तो इसी को बना के लेके आएंगे फिर, तो इसको लेके जाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको लेके जाते हैं, इसको भी दिखवा लेंगे, और बन जाएगा 200-300 में तो कोई बात नहीं, तो
बनवा लेंगे, देखते हैं कितना खर्चा पड़ता है इसमें। जल्दीबाजी में सब चीज़ भूल रहे हैं, हमारे चाबी लगाना भी भूल गए। चाबी 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 साढ़े 1500 पर है। अचानक आ रहे थे तो आते आते ही बाइक पंचर हो गया है अभी, और बाइक को बना लेंगे फिर घर आएंगे। तो अभी बना लेते हैं बाइक, यहाँ गैरेज में है, पतरातु में ही है, और जाएंगे बना के। बना ले रहे हैं अभी, फिर जाएंगे। सो वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो, और कल का ब्लॉग जो था वो कल ही मैं रोक दिए, क्योंकि कल बारिश हुआ। और जो प्रॉब्लम था मेरा कि कल जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो जैसे भी रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते करते अचानक से रिकॉर्ड हो रहा था, जैसे कि वीडियो शूट किए, शूट करने के बाद वो अपने फोल्डर में जैसे कि होता है सेव होता है, वैसे जनरली सेव नहीं हो रहा था। इस वजह से कल मैंने रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया, उसके बाद स्टोरेज को मैंने क्लियर किया अपना। और अभी तो फ़िलहाल अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी हो या ना हो और पता नहीं। और कल क्या हुआ कि कल जैसे ही मैं फ़ोन ख़रीद के आया, फ़ोन में आप लोगों को आज दिखाऊंगा, कल वो भी ब्लॉग मैंने बनाया था उसका, तो वो भी नहीं दिखा, वो भी कैप्चर नहीं हुआ। और स्टोरेज क्या वजह था, टेक्निकल एरर के वजह से होगा, कोई रीज़न से नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे ही मैं आया, फ़ोन लेके आया, तो फ़ोन लेके आने के बाद मेरा गाड़ी पंचर हो गया रास्ते में ही, और अचानक से गाड़ी एकदम हिलने लगा, और तब मेरे को पता चला कि गाड़ी पंचर हो गया होगा। तो फिर मैंने मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक के पास गया, लेके गया, तो वहाँ लेके जाने के बाद उससे पूछा मैंने कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो वो बोला कि नहीं होगा, उसका पैसा भी आज देना है, उधारी रख के आए हैं वहाँ पे। और अभी फ़िलहाल काम से आए थे खेत, और खेत में काम करके अब जा रहे हैं घर, काम कंप्लीट हो गया। और जामुन के पेड़ के नीचे यहाँ पे बैठे हैं, बैठे मतलब गाड़ी में ही यहाँ पर हैं, गाड़ी लेके आए थे यहाँ अंदर, खेत ला दिए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को जामुन दिखा दूँ, तो आप लोग देखिए जामुन, यहाँ से आप लोग थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, और दिखे आप लोगों को तो एक वहाँ उस जगह पर आप लोगों को अगर दिख रहे होंगे तो ब्लैक ब्लैक कलर के जो हैं वो सारे जामुन हैं, और पूरा पक के एकदम। तो भाई जो आप लोगों को फोन दिखाने वाला था, तो वो मेरे मतलब अभी खेत का काम के चक्कर में वो आप लोगों को नहीं दिखा पाया। अभी फ़िलहाल खेत आए हैं, खेत में ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर हल जुतवाने का काम हो रहा है, और वहाँ पे लगा है ट्रैक्टर, और मैं फ़ोन चार्ज में देने के लिए जा रहा हूँ उनका, और जो फ़ोन है वो डेड हो गया है, तो उसको चार्ज में लगाने के लिए सामने का यहाँ घर जा रहा हूँ। और पहले तो चार्ज में लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों से आके बैठ के आराम से बात करता हूँ। सबसे पहले जा रहे हैं वहाँ। तो आजकल भाई चार्जर मिलना अलग ही लेवल का प्रॉब्लम है, और चार्जर मिलना इतना मुश्किल है कि आप टाइप सी खोजोगे तो टाइप सी नहीं मिलेगा, यूएसबी केबल खोजोगे, यूएसबी ए क्या क्या आजकल उनका भी नाम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, लेकिन जो चार्जर में खोजने के लिए गया था वो तो मिल गया था, लेकिन थोड़ा ढीला हो रहा था जिससे चार्ज नहीं हो रहा था। और फिर आ गए वहाँ से खेत, और बता देंगे कि चार्ज नहीं हुआ, और मौसम देखिए आप क्या मतलब वादियों में जैसे आ गए वैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और अभी तो दो चार दिन से इतना ही मतलब ब्यूटीफुल क्लाउड देखने के लिए मिल रहा है ना, कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, बहुत ही सुंदर देखने के लिए मौसम मिल रहा है। ट्रैक्टर यहाँ मेरे खेत में चल रहा है, और कितना टाइम लगता है देखते हैं। अब नहा धोवा के यहाँ पर खेत में काम हो रहा है, तो काम करने का मन नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है लेकिन जो गर्मी है, नहाया बेकार हुआ लग जाएगा, लग बेकार ही हो जाएगा, जैसे नहाए हैं तो पूरा पसीना से भीग जाओगे आप। अभी यह दोपहर में फाइनली अभी जाके उसका चार्जर मिल गया, और चार्ज में लगा दिया, और चार्जर उसका मिला, और चार्ज में लगा के अभी आए हैं। और पता नहीं कंपनी का
जो जिस कंपनी का मोबाइल है उस कंपनी का चार्जर नहीं है, क्या होता है देखते हैं, चार्ज होता है नहीं होता है। हालांकि 10-15% भी हो जाएगा तो बहुत उसमें काम चल जाएगा दिन भर का, कितना चार्ज होता है देखते हैं। अब अभी तो 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा मेरा यहाँ हल जुतवाने में, और धूप बहुत ही चकाचक लग रहा है। और पहले काम करा लेते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं रोड के साइड में, और रोड के साइड में हालांकि अभी धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है, और इसी यहाँ पे पेड़ है तो इसी पेड़ के सामने हम बैठते हैं। तो भाई पेड़ लगाया करो आप भी और हम भी, ये मतलब जब पेड़ अगर नहीं लगाएंगे तो आज के डेट में जानते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे आने वाले हमारे जनरेशन को दिक्कत होगा। और ये भी मेरा एक खेत है तो यहाँ पे भी हल जुतवाएंगे, और ये छोटा सा है लेकिन इसमें छोटा नहीं है, ठीक ही है, लेकिन इसमें भी काम चल जाएगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो वहाँ पे ही चल रहा है, अभी वहाँ ही नहीं हुआ, वहाँ 11:50 में स्टार्ट हुआ था, और कितना टाइम लगता है वहाँ दिखते हैं। और जैसे ही मतलब हल चलता है तो हल के पीछे पीछे और ये भी चलते हैं, क्या बोलते हैं, बगुले और बहुत सारे जो पक्षी हैं वो मतलब शायद उसमें से नीचे से केंचुए ऊपर आ जाते होंगे, इस वजह से हार बैठते होंगे, पता नहीं भाई वो क्या है। और यहाँ पे एक कांच का बोतल भी है तो इसको हटा देते हैं, कौन यहाँ पे फेंक देता है, और इसमें अगर फूट जाएगा तो समझ रहे ना कितना दिक्कत हो जाएगा बाद में। और कौन ये सब बदमाशी करके यहाँ पे रख देते हैं। और भाई गर्मी तो बहुत तेज लग रहा है और बारिश का तो नाम नहीं हो, तो क्या होगा इस साल तो कोई पता नहीं। और सावन स्टार्ट हो गया, सावन के स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा धूप और ऐसा मौसम पहले कभी नहीं होता था, सावन से पहले ही सावन मतलब जुलाई हो गया ना, जून से ही मतलब मॉनसून स्टार्ट हो जाता था, इतना मिलीमीटर बारिश हुआ आज, इतना मिलीमीटर यहाँ हुआ, ऐसे ऐसे न्यूज़ में देखने के लिए मिलता था। लेकिन आजकल अभी तो वैसा कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और मैं फ़ोन आप लोगों को दिखाने चाह रहा था कि जो कल मैंने परचेज़ किया था नोकिया 105 का मॉडल है, तो वो मैंने परचेज़ किया था, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा घर जाके। लेकिन पता नहीं क्या क्या मतलब आज गाना सुन रहा था, होम थिएटर है ना घर में, तो होम थिएटर में गाना लगा के सुन रहा था, आज वोल्टेज भी था इसी वजह से उसमें भी भूल गया, और सुनते सुनते इतना सुने कि और बहुत सुन लिए। और अभी तो आ गए वहाँ से भी, और अब काम कर लेते हैं, अब डायरेक्ट घर में मिलेंगे और फ़ोन आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगा, और क्या कुछ होगा, क्या जो भी सीन बनेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, और यहाँ पे काम करा लेता हूँ सबसे पहले। फिर से खेत आ गए, फिर वन सेकेंड ड्यूटी में, ड्यूटी का टाइम हो गया, काम के लिए फिर से खेत आना पड़ा। मैं आप लोगों को सोच रहा था कि अभी जाके फ़ोन दिखा दूं, लेकिन देखिए आप कितने बड़े बड़े हो गए, इतना बड़ा धान का मतलब पौधा हो गया है, और अब देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया। और अभी रोपने का टाइम, इसका रोपाई का टाइम हो गया, और दोनों में दोनों जगह का दोनों अलग अलग खेत का, इसलिए दोनों अलग अलग बीज किया हुआ। नंबर अभी बहुत लंबा है, अभी 1-1.5 घंटा हो सकता है 2-3 घंटा वेट करना पड़े, इसी वजह से मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। फाइनली द टाइम कम्स जब मैं आप लोगों को ये फ़ोन दिखाने जा रहा हूँ, कि जो फ़ोन मैंने कल परचेज़ किया था वो ये वाला फ़ोन है नोकिया 105, जिसमें से सिंगल सिम का ये फ़ोन है। और मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, कौन सा फ़ोन और क्या क्या एक्सेसरीज इसके अंदर मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को सारी वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर पहले ही मतलब मैंने इसको ओपन किया हुआ था, तो इसको फिर से एक बार रीओपन कर रहा हूँ। और इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए बाहर की चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं, तो बाहर में आप लोग को हाईलाइट किया हुआ है, वायरलेस एफएम रेडियो है, 12 घंटे टॉक टाइम करने से 12 घंटे बैटरी बैकअप रहेगा, और स्टैंड बाय टाइम 22 डेज, और डिस्प्ले 1.8 इंच, और टॉर्च है, गेम्स है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग, और
स्टोरेज 4 2000 एंड कॉन्टेक्ट्स एंड 500 SMS स्टोर हो सकता है। और इसके फ़ोन के अंदर में क्या क्या एक्सेसरीज मिलेंगी, और ये वाला ये फ़ोन रहा, इस फ़ोन में मैंने पहले ही ऑलरेडी सिम इनपुट कर रखा है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलते हैं। रेडियो भी मिलता है तो रेडियो भी प्रॉपर काम नहीं करता। ये वो फ़ोन है, और इस फ़ोन के अंदर मेरे को मिला था एक ये चार्जर, नॉर्मल सा चार्जर जो आता है स्टैंडर्ड सा, तो वो चार्जर मिला था, और अंदर में तो कुछ नहीं मिला। और इसमें से डॉक्यूमेंटेशन मिला, और ये वारंटी कार्ड जो मिला इसके अंदर ही मिला था। सो यही था फ़ोन, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया। और मेरा एक प्रॉब्लम और था कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करता, लेकिन जो मेरे पास था ये क्या सेल्फी स्टिक का जो स्टैंड है वो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। कौन सा है, कौन सा, हाँ ये इस साइड वाला जो यहाँ पे इसका जॉइंट है यहाँ पे, तो ये टूट गया है, इसको कुछ गम लगा के अच्छे से चिपकाना होगा। तो फाइनली आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं सोच रहा था कि इस ब्लॉग को शॉर्ट ब्लॉग बनाऊंगा, कल का भी और आज का भी, दो दिन का इसमें ब्लॉग आ गया। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आज और कल के दोनों के ब्लॉग को मिला के आज करते हैं एंड। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ कल। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।